Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. कुछ बच्चे यहाँ पंखा और फूल वगैरह बेच रहे थे, हमने खरीदा और फिर उन बच्चों ने बोला, जो मैंने सोचा ही हुआ था उन बच्चों को लेके, उन्होंने बोला यहाँ खाएंगे, तो हम यहाँ आ गए अंदर, 7-8 बच्चे थे मेरे साथ, फोटो मैं आपको भेज दूंगी। तो जब यहाँ बैठे तो इन्होंने ऑर्डर लेने आया बंदा, तो बाद में पीछे से इनका एक मैनेजर है वो आया और उसने बोला आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। हमने बोला क्यों, हम पैसा देने के लिए तैयार है। और मेरे और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बोला हम बच्चे का ध्यान भी रखेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, हम शांति से खाएंगे और चले जाएंगे। तो बहुत देर वेट करने के बाद 100 को फोन किया, बहुत मुश्किल से पुलिस आई, एक चैन सिंह और एक चंद्र प्रकाश ऐसे कुछ थे, चैन समथिंग दे केम, उन्होंने मुझसे लिखवाया क्या कंप्लेंट है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा एक लंबी चिट्ठी और लिखवाई। सब कुछ होने के बाद बच्चों ने बोला दीदी हमें खिला दो, तो हम श्रवणा में गए, उन्होंने हमको खिलाया, खाने दिया। बीच में इन्होंने उनमें से कुछ बच्चों की माओं को बुला के डांटा फटकारा कि हम तुम्हें अलाउ करते हैं यहाँ पे, तो वो दो माएँ आके अपने बच्चों को भी लेके गई, तो बाकी बच्चों को खिला के मैं चप्पल दिलाने के लिए लेके जा रही थी क्योंकि उन्होंने बोला, तो मैं जा रही थी तो पीछे से इनके ओनर के बेटे ने मुझे बोला रोक के कि क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने उनको बताया, कह रहे देखो हमारी मर्जी है, जिसको खिलाना है नहीं खिलाएंगे, गेट आउट फ्रॉम हियर, सामने से आके ऐसे पंगे किए ना तो गोली मार देंगे। तब मैं वापस आई और मैं यहाँ बैठी क्योंकि मुझे लगा कि अत्याचार सहने के बाद, हारने के बाद, चुपचाप सही रास्ता पकड़ के खिलाने के बाद भी इधर खड़े होने का मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है। Now I'm also joined by these kids. उस दिन क्या हुआ था exactly? दीदी कल हमको खाना खिलाने अंदर ले जा रही थी, फिर दीदी ने हमको ना बोला कि बेटा तुमको जो मर्जी खाना जितना खा लो, फिर अंकल ने बोला इनको ले जाना अलाउड नहीं है, इनको हमको धक्का दे के बाहर निकाला। हमने पानी मांगा, उसने पानी नहीं पीने दिया, फिर उसने बोला दूसरे होटल में खिला दे। अभी दीदी ने बोला कि हम इस होटल में खाना खा के जाएंगे, फिर इसने ना हमको देख के एसी बंद कर दी। फिर दीदी ने हमको श्रवण भवन ने खाना खिलाया था, फिर हम बाहर निकले, दीदी से जान कर झगड़ा, दीदी ने पुलिस भी, पुलिस ने भी दीदी का कुछ मदद नहीं करा।